it takes. भाई लाखों छाप रहे हैं ये देखो, पूरे टाइम लगा रहता है काम में। सर आपका इंटरव्यू ले ले हम, अभी तो काम चल रहा है। बहुत बिजी बंदा है भाई ये, एक हमारा पड़ोसी नहीं मान रहा, पूरे दिन पता नहीं क्या काटता रहता है भाई। ये बहुत बिजी आदमी है भाई, बहुत पैसे छाप रहे। कैसी जॉब मार्केट है क्लाउड की? क्लाउड की बढ़िया जॉब मार्केट है। बढ़िया, आओ क्लाउड कंप्यूटिंग करो, पैसे छापो बैठ के, पैसे छापो। बढ़िया भाई, आज बात करने वाले की क्लाउड की जॉब मार्केट कैसी है, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसने कैसे चूज करा यहाँ पे आना, कौन से कॉलेज में पढ़ा, कोर्स कैसा था, फिर जॉब कैसे लगी, सब बात करने वाले स्टार्ट से एंड तक। और सबसे मेन बात कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये भी करेंगे कि यहाँ पे कि जॉब कैसे मिल सकती है इजी वाली, जिसमें आप अच्छे पैसे कमा सको, वो भी इसने करा है ट्रैक, सारी बात करने वाले। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में बैकग्राउंड क्या था तेरा और तूने एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या क्या लिया होता, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया पे मैंने रुक जा एक बार, उसको काट ले, अब बोल बोल बोल। तो इंडिया में मैंने अपनी बैचलर्स करी हुई थी कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद मैंने अमेजोन में जॉब करी एज अ रिस्क एनालिस्ट 2 साल के लिए, और फिर मैं यहाँ पे आया था। तो मतलब क्लाउड में एक्सपीरियंस नहीं था, पर एक्सपीरियंस था मेरे को एज अ रिस्क एनालिस्ट, लेकिन क्लाउड में नहीं था। भाई ये पीछे आवाज आ रही हो ना, इग्नोर करना, ठीक है। और फिर मास्टर्स का कैसे सोचा, क्या स्टार्ट करा कि जॉब छोड़ के मास्टर्स करता हूँ, कॉलेज कैसे चूज करा, क्या सीन था? तो मैं जब अमेजोन में जॉब कर रहा था रिस्क एनालिस्ट, तो मैं साथ साथ देख भी रहा था कि आगे फ्यूचर में क्या, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में यू नो बेटर फ्यूचर रहेगा, क्या चीज़ मेरे को पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे खुद एक्सप्लोर करने लगा कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो मेरे को क्लाउड के बारे में पता, थोड़ा आइडिया आया, मैंने पढ़ा उसके बारे में, सर्टिफिकेशन वगैरह देखी है कि क्या क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया इसमें, तो मैंने स्ट्रीम सेलेक्ट करी। और फिर नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड से इसने क्लाउड कंप्यूटिंग करी थी, तो वहाँ का कोर्स कैसा लगा, कैसा कॉलेज था, क्या था उसका रिव्यू थोड़ा? तो इनिशियली मैं प्लान कर रहा था कि मैं या तो कनाडा जाऊँगा या आयरलैंड जाऊँगा, लेकिन मैंने आयरलैंड इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे 1 साल में मास्टर्स हो रही थी और कनाडा में 2 साल में हो रही थी। देन सेकेंड थिंग कि जब मैंने कोर्सेज एक्सप्लोर करे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, तो मेरे को ये वाला कोर्स जो था ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी रिलेवेंट था। उसके बाद जब मैंने आयरलैंड में क्लाउड की मार्केट देखी कि किस तरह की जॉब्स हैं फ्रेशर्स के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू कैनेडा, तो मैंने आयरलैंड मूव करने का सोचा इसलिए। और फिर स्टार्ट हो गए, कितने क्वेश्चन तो हो गए, कोर्स कैसा था, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे, टेस्ट हो रहे ना पहले, कोर्स कैसा था एनसीए का? तो कोर्स काफ़ी अच्छा था एनसीए का, इन डिटेल कोर्स होता है, एंड काफ़ी जो प्रोफेसर्स थे वो भी अच्छे थे, काफ़ी हेल्पिंग थे, असाइनमेंट्स जो थे काफ़ी रिलेवेंट थे, जो अब आजकल हम जॉब करते हैं उससे रिलेवेंट थे। उसमें उस टाइम 2 स्ट्रीम्स होती थी क्लाउड कंप्यूटिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस, लेकिन अब जो कोर्स है वो काफ़ी अपडेट हो गया, अब सॉफ्टवेयर एज सर्विस ही रह गया। ओके, एंड इफ यू आर वंडरिंग कि आप भी कैसे जाओ बाहर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन आपकी हेल्प कर सकता है कॉलेज सर्च करने में और फिर कंट्री सर्च करने में, इसको तो जैसे पता था 1 साल का। वैसे मैं भी आयरलैंड ही सजेस्ट करूंगा, बट हर हर फील्ड की अलग अलग कंट्रीज होती है, कहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा, जैसे यहाँ पे आईटी ज़्यादा है, कुछ कुछ फार्मास्यूटिकल ज़्यादा है, तो वो आपको कौन बता सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलर बता सकते हैं, और बेस्ट काउंसलर जिन्होंने मेरे को गाइड करा था, बहुत अच्छे से गाइड करा था, तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा काउंसलर फॉर्म का, उसमें अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम डाल सकते हो, मैं उनका डिटेल शेयर कर दूंगा और वो आपको पूरा गाइड कर देंगे, वीज़ा में भी, स्कॉलरशिप में भी हेल्प कर देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड मैं अपना रिसर्च देख लूं। गाइस ये मेरा काम के बीच में इंटरव्यू ले रहा है बहुत बिजी बंदा है, बता रहा हूँ ना, लाखों छाप रहा है, ऐसा कुछ नहीं बस करवा लो, लाखों छाप रहा है। अब बात करते हैं कि पार्ट टाइम का क्या सीन था, यहाँ पे पार्ट टाइम करी थी नहीं करी थी? वैसे इसने नहीं करी थी मेरे को पता है, पर पार्ट टाइम सर्च करी थी या फिर खुद ही पहले ही सोच लिया था नहीं करनी, और फिर बाद में कोर्स के बाद क्या करा था? तो जब मैं आया था यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 महीने तो मैंने पार्ट टाइम नहीं करी थी, क्योंकि घर वर का सीन था, घर वर देखने में टाइम निकल गया था। उसके बाद मैं 2-3 महीने तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता, पीपीएसएन जीएनआई भी ये सब बनवाना होता है, तो आप सोच के आना 2-3 महीने तो नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि बैंक का अपॉइंटमेंट में टाइम लग जाता है, पीपीएसएन में जीएनआई में दिक्कत रहती है स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में, तो तब तक नहीं हो पाता। उसके बाद मैं इंडिया निकल गया था, तो मैंने अपनी मास्टर्स उधर ही कंप्लीट करी। अच्छा, इसके कोविड आ गया था जब आया था 2 महीने में, तो 2 महीने बाद मैं इंडिया चला गया था। कंट्रोल
कंट्रोल उधर नहीं मान रहा यार, ये काटने में लगा हुआ है। बोल बोल बोल। तो मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके, तेज तो बोल रहा हूँ मैं, आवाज तो आ तो रही होगी उसमें। ये फिर लग गया यार, ठंड बहुत है यार। बोल बोल बोल। तो जब मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके यहाँ पे आया तो आज नहीं होगा, बहुत स्ट्रगल है, सो रहा हूँ मैं थोड़ी देर। बोल बोल बोल। तो मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके यहाँ पे आया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम ढूंढने का सोचा, क्योंकि फुल टाइम के लिए तब मैं अप्लाई करना स्टार्ट ही किया था। आया कब था तू? मैं आ गया था फेब 2021 में आ गया था यहाँ पे अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके। मतलब इसने जनवरी 2020 में स्टार्ट करा था, फिर ये एक साल वहीं था, फेब 2021 में आया था यहाँ पे वापस। हाँ, मैं कर लगभग एक साल में वापस आया मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। क्या है यार वो काटी जा रहा है। करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। रीटेक ही चल रहे हैं यहाँ पे। बोल बोल। ठीक है, चलो दोस्तों इंटरव्यू खत्म, अगली वीडियो पार्ट 2 में। मेरे को जानता नहीं। मैंने जब मैं फेब 2021 में यहाँ पे आया, उसके बाद मैंने पार्ट टाइम देखनी स्टार्ट करी यहाँ पे मार्च में। तो फिर उसके बाद मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन की इन्फोसिस में, रादर देन किसी स्टोर में या कहीं यू नो वेयर हाउस की जगह मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया। एंड बेसिकली एक कॉल बेस्ड एनवायरनमेंट था, तो स्टार्टिंग में तो बड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि एक्सेंट समझने में बहुत दिक्कत होती थी उनकी, लेकिन कुछ टाइम में एकदम अच्छा हो गया था समझने में। फिर उसके बाद मैंने वो पार्ट टाइम कुछ महीने करी, एंड साथ साथ मैं अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था। फुल टाइम जॉब्स की बात कर रहा हूँ, फुल टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था। रिज्यूम उस टाइम बन रहे थे, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ उस टाइम बना रहा था। एक टिप और देता हूँ, एक रिज्यूम मत बनाना हर जॉब के लिए। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप रिज्यूम अपना एडिट करते रहना। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका पहले कंप्यूटर चेक करता है कि आपका CV आगे नेक्स्ट स्टेप में जाएगा नहीं जाएगा, तो उसमें कीवर्ड्स होते हैं। तो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके थोड़े कीवर्ड्स डाल देना, आपको नॉलेज होनी चाहिए, यू मत डाल देना, पर हाँ वो कीवर्ड्स डाल देना ताकि आपका नेक्स्ट स्टेप में चल जाए। यस, एक मास्टर रिज्यूम मत बना के रखना। देन उसके बाद ये पार्ट टाइम जॉब करते करते इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे, जॉब उस टाइम नहीं लग रही थी। और आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम पे मैंने डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अभी वीडियो के भी डाल दूंगा। अगर आपको CV जानना है यहाँ पे कैसा बनाना है, आपका CV कैसा है वो रिव्यू करके एडिट करना है, या आपका लिंक्डइन कैसा है, या फिर जॉब कैसे लो, इंटरव्यूज कैसे होते हैं, वो सब भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर सकते हो कैसे आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। इतनी खुशी ये इन्फोसिस वाला पार्ट टाइम चल रहा था जॉब, इसके बाद मैं। और ये पार्ट टाइम हर कोई ले सकता है ना, ये पार्ट टाइम का रिक्वायरमेंट है कि 1G होना चाहिए आपके पास। बस आपके पास 1G होना चाहिए और फिर आप हर कोई कर सकता है। जब मान लो आपकी मास्टर्स हो गई, आपकी जॉब नहीं लग रही, तो आप ये जॉब कर सकते हो, और इसमें आपके 1800-1900 1600 यूरो के आसपास आप कमा लोगे, और घर से बैठे काम करना है, और आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी। खाली बैठने से बहुत अच्छा है कि आप ये कर लो, और फिर आप जॉब में अप्लाई करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारी स्किल्स हेल्प करेगी। और इसने एक और जॉब भी करी थी एक्सेंचर में, उसका बताओ। तो मैंने लिंक्डइन पे HR ने किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि ये वाली प्रोफाइल खुली हुई है, मैंने इंटरेस्ट शो किया अपना, एंड फिर मैंने वाली जॉब अप्लाई कर दी। थोड़ी देर बाद मेरे को कॉल आ गया कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो गया, इंटरव्यू कर ले। इंटरव्यू हो गया शेड्यूल वहाँ पे, एंड बेसिकली बहुत सिंपल इंटरव्यू था, बिहेवियर राउंड था। रिक्वायरमेंट थी कि एक तो 1G वाला डॉक्यूमेंट रेडी रहना चाहिए उनके पास, एंड उन्होंने मेरे से बात करी करीब आधा घंटा उससे कि इंटरव्यू चला था, एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बिहेवियर राउंड क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट डे पता चल गया था कि हो गया शॉर्टलिस्ट, एंड देन फिर ऑफर लेटर आ गया था एक हफ्ते में। तो फिर मैंने इन्फोसिस से एक्सेंचर में ज्वाइन किया, क्योंकि उसमें लग भी इजीली जाती है ना, लग भी इजीली, मतलब सबकी नहीं लगती, बहुत सबकी, बट 90-95% लोगों की लग जाती है इजीली। तो अगर आपको वो मतलब बाद में जॉब नहीं मिली मास्टर्स के बाद, तो ये भी एक ऑप्शन है, एक्सेंचर में कर सकते हो। इसमें शायद इन्फोसिस से ज्यादा मिलते हैं ना। हाँ, इन्फोसिस से ज्यादा मिलते हैं, एंड थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है, काम थोड़ा अच्छा बेटर हो जाता है, और आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे होते हो, क्लाइंट बहुत ही बहुत अच्छा होता है। तो और टिकट सॉल्व करनी होती है, कुछ ऐसे टिकट का होता है ना, टिकट सॉल्व करनी होती है, लेकिन काफी अच्छा रहता है, अच्छा होता है, ठीक है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। देन आप कोलीग से मिलने लगते हो एक्सेंचर में, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने करीब 3-4 महीने यहाँ पे, और उसमें अप्रॉक्स एक्सेंचर में कोई अप्लाई करे तो कितने मिलते हैं, 2200-2400 अराउंड, हाँ ऐसे 2000 के आसपास मिलते हैं, 2000 के आसपास। मतलब पहले आपके इन्फोसिस में अगर 1600 मिल रहे तो 2000 मिलने लग जाते हैं। तो आपको मतलब आपको जैसे इसको नहीं पता था, पर आपको मैंने बता दिया, इसने बता दिया,
तो आप सीधा उसमें भी अप्लाई कर सकते हो कि आपको एक थोड़ा अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, वर्कलोड थोड़ा कम होगा और पैसे भी अच्छे पैसे मिलेंगे। अच्छे, ठीक है। देन उसके बाद जब मैं एक्सेंचर में कर रहा था तो साइड बाय साइड अब जॉब असल ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मेरे को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे, मैं अपने स्टैम्प वन जी पे था एंड मेरे को कुछ कुछ महीनों बाद रिन्यू करवाना पड़ता, तो फिर थोड़ा मेहनत और ज़्यादा स्टार्ट हो गई सीरियस होके। तो फिर अच्छी तरह इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया और पढ़ना स्टार्ट किया। देन उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू हुए, बहुत रिजेक्शंस आए, तो उस टाइम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है कि नहीं लगेगी नहीं जॉब, लगेगी नहीं, लेकिन आपको ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना है। एंड अगर आप थक चुके हो ऐसे इंटरव्यूज दे देके तो आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो एंड उसके बाद फिर से प्रोसेस स्टार्ट करना, एग्जॉस्ट मत होना। देन मैंने IBM में अप्लाई भी किया हुआ था काफ़ी टाइम पहले, तो जितनी प्रोफाइल्स के लिए किया था सब में रिजेक्शन आ गए थे, तो सब रेफरल्स से, सब हर जगह से मैंने रेफरल। और एक टिप और दूंगा कि जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो कोशिश करो कि आप रेफरल के थ्रू अप्लाई करो, ठीक है। देन यहाँ और रेफरल कैसे बना सकते हो, वो लिंक्डइन के थ्रू बनाना होता है। लिंक्डइन के थ्रू आप लोगों को मैसेज करो, एक पूरी वीडियो ही बना रखी है कैसे कैसे करो, और वो जैसे लिंक बताया था वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप एक को एक आपको एक पूरा एनवायरमेंट कह रहा हूँ, कनेक्शन बिल्डअप करने होते हैं लिंक्डइन पे, वहीं से बिल्डअप करने शुरू कर दो इंडिया से बहुत सारे, फिर यहाँ पे आके मैसेज भेजो, रिक्रूटर हो गए, मैनेजर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए जो आपके फील्ड के, उनसे कनेक्शन बिल्डअप करो, एक अच्छी नेटवर्किंग करो यहाँ पे आके। तो लिंक्डइन पे सिर्फ लाइक मत करो, फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजो, बातें करो क्या चल रहा है उनके साथ, क्या उन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उसके बारे में पूछो उनसे। उसके बाद लाइक मेरे को इंटरव्यू कॉल आई IBM के लिए, तो फर्स्ट राउंड उन्होंने कॉल के फर्स्ट राउंड IBM का तो पूछूंगा अभी, पहले बताने लग गया, मेरे को तो क्वेश्चन पूछने थे चालू हो गया भाई, क्वेश्चन ही नहीं पूछने दे रहा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरा भी थोड़ा रोल होना चाहिए, ठीक है। अब बता, इसका बहुत रोल है, एक तो ये ठक ठक ठक, ये बता कि क्लाउड में जॉब कैसे लगी, IBM में कैसे लगी, क्या क्या स्किल्स चाहिए थे, स्किल सेट क्या क्या था, और हाँ स्किल सेट क्या क्या था, और इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या पूछा, क्या कौन कौन से राउंड हुए, वो सारा। तो मेरा जो स्किल सेट, सबका जो जो यहाँ पे आएंगे सबके स्किल सेट थोड़े थोड़े अलग रहेंगे, लेकिन जो मैं जो मेरे को आता था वो था लिनक्स, डॉकर, क्यूबरनेटिस, ठीक है, ये वाली चीज़ें मेरे को आती थी, मेरे को डेटाबेस आता था, तो इसी रिलेवेंट प्रोफाइल्स में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और मोस्टली क्वेश्चंस वो रहते हैं जो आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स रहते हैं उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, तो मेरी जो रिलेवेंट था वो था लिनक्स था, डॉकर, क्यूबरनेटिस था, क्योंकि मेरे जो मास्टर की थीसिस थी वो डॉकर बेस्ड थी। फर्स्ट राउंड तो बिहेवियर राउंड था, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं और आपको एक पॉजिटिव वे में वहाँ पे सिचुएशन संभालनी होती है, कोई राइट आंसर नहीं होता, कुछ रॉन्ग नहीं होता, लेकिन आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होता है। सेकंड राउंड टेक्निकल था, उसमें हो गए थे लिनक्स के लिए क्वेश्चंस डेटाबेस से आए थे, देन क्यूबरनेटिस, डॉकर से क्वेश्चंस थे। अगला राउंड मतलब जो चीजें तेरे को आती थी, जो तूने रिज्यूमे में लिखी थी उससे रिलेटेड ही उन्होंने पूछे थे, और तूने उससे रिलेटेड ही जॉब में अप्लाई करा था। यस यस, उससे रिलेटेड ही किया था, और मतलब रिज्यूमे से ही बहुत सारी चीजें पूछते हैं, जैसे मैं भी गया था तो उन्होंने रिज्यूमे में क्या क्या प्रोजेक्ट करी है, क्या क्या चीजें करी है, क्या क्या इंटर्नशिप, वही सब पूछते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट राउंड मेरा डेटाबेस का हुआ था और ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे, कुछ क्वेश्चंस पाइथन से भी थे, बेसिक क्वेश्चंस से। के बाद को ऑफर लेटर मिल गया था, लाइक ईमेल पे आ गया था, तो दिस वाज द फाइनल थिंग। और स्पॉन्सर कर दिया था इसका स्टैम्प वन, और अब तो भाई लाखों छाप रहा है, ये देखो पूरे टाइम लगा रहता है काम में। तो भाई लाखों छाप है तो काम तो करेंगे कि बस ऐसे ही छापते रहेंगे, क्या काम भी करना होता है। बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा, ये देखो ये इसका ऑफिस चल रहा है, ये देखो कह रहा था बहुत मेहनत करता हूँ, काम कर रहा हूँ, ये देखो ये फोन में काम चल रहा है, दिख रही है, दिख रही है स्क्रीन, दूर कर ली, दिख रही है, दिख रही है, किससे चैट करके नहीं पता, नहीं हंसी जा रहा है, हंसी जा रहा है। मतलब टिप कोई मतलब खतरनाक टिप ऐसे मतलब आते ही भाई, एक वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, गोल्डन टिप मैं ये कहूंगा कि आप कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहो, ठीक है। आपको ये नहीं है कि अगर आपके 10 इंटरव्यू लगातार आपके रिजेक्शन आ गए हैं तो आप छोड़ दो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है आप ठीक है गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को एनालाइज करो, अपने फ्रेंड से बात करो कि क्या दिक्कत आ रही है, अपना एनालाइज करो उस चीज़ को, और डीमोटिवेट मत हो। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट करो, अपने आप को यू नो स्ट्रेस से निकालो, और उसके बाद फिर से अप्लाई करना स्टार्ट करो, घूमाओ जाके और जगह, यहाँ पे बहुत जगह, थोड़ा 1-2-3 दिन का रेस्ट ले लो और स्लाइगो आ जाओ। अगर डबलिन में आप परेशान हो चुके हो ना अपनी लाइफ से, परेशान हो चुके हो, तो आप स्लाइगो आ जाओ, मत बाद में कि ये काट दे डलेगा अब तो ये।
तो भाई यही थी वीडियो, और काउंसलर का जैसे मैंने बताया आपको फ्री एडवाइस चाहिए, फ्री चीज तो वैसे ही नहीं छोड़ते हम लोग, तुम फिल कर दो जाके, वो आपको अच्छे लगे तो आगे प्रोसीड करना, और वैसे अच्छे लगते ही है सबको, बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया है। और अगर आपको यहाँ पे जॉब वॉब कैसे ढूंढनी है वो सब चाहिए तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो बस यही वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल। 80% लोग बिना सब्सक्राइब करे जा रहे हैं, बताओ। नहीं, ऐसे नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे ठंड में वीडियो बना रहे हैं, काम के बीच में वीडियो बनाने, प्लीज सब्सक्राइब, मेहनत कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हो। अभी चैनल बना नहीं है, जब बनेगा प्लीज देख लेना। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ जब बनेगा तब देख लेना, नाम तभी बता दूंगा क्योंकि अभी पता नहीं है कब बनेगा। दो तीन तीन साल तो हो गए, तीन हो गए ना, तीन साल तो हो गए, एक दो साल और बन जाएगा, बन जाएगा, पेशेंस रखो, बनेगा, रुको, सबर करो, सबर करो, ठहरो। लाइक कर देना, बाय, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना दोनों को, ठीक है, कर लेना जाके, चलो।